वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज अपन टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र यानी कि टीटीएमएल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप पे देखने वाले। तो टीटीएमएल स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटीएमएल स्टॉक ने आज एक अच्छी मूवमेंट की थी, तकरीबन 10% की रैली भी करता हुआ नजर आ चुका है टीटीएमएल स्टॉक आज के दिन में, यानी कि 127.75 पे क्लोजिंग दी, 11.60 पैसे की रैली के, तकरीबन 9.99 यानी कि 10% का अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है और डे एंडिंग में यहाँ पे ओपन सर्किट भी लग चुका है। यानी कि सुबह में जैसे ओपन हुआ तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ट्रेडिंग कर रहा था, पर जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी मूवमेंट की, फिर 120 लेवल को ब्रेकआउट दिया, 120 के बाद यहाँ पे 125 को ब्रेक किया और यहाँ पे डे एंडिंग में यहाँ पे अपर सर्किट लग चुका था 127.75 पे। ओपन हुआ था 115.95 पे, हाई बनाया था 127.75 का और लो है 114.50 का। मार्केट कैप भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है, 25,000 करोड़ के करीब हो चुके मार्केट कैप यहाँ पे टीटीएमएल स्टॉक की। तो चार्ट एनालिसिस पे भी नजर डाली जाए तो कल यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी, पर आज सेम लेवल पे ओपन हुआ, ओपन होते ही देख सकते हो एक अच्छी ऊंचाई देखने को मिली, जो यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन है 200 मूविंग एवरेज जिसको ब्रेक करके नीचे आ चुका था, तो उसी को एक दिन में ब्रेकआउट दिया। पर मंथली जो प्यूट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते 129 लेवल पे तकरीबन ओ जो लेवल है, कल के दिन में रिजिशन लगने के चांसेस दिख सकते हैं उस लेवल पे। जब ओ लेवल ब्रेक होगी तो इजिली 150 तक जा सकता है टीटीएमएल स्टॉक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टीटीएमएल स्टॉक के लिए।